हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम द लॉन्ग टाइम जस्ट वी आर मीटिंग टुगेदर हियर थ्रू दिस वीडियो। ओके, सो स्टूडेंट्स, आफ्टर द फर्स्ट पीरियोडिक असेसमेंट जस्ट आई एम गोइंग टू बिगिन हियर अ न्यू कंटेंट फ्रॉम लेसन नंबर 7। ओके, लेसन नंबर 7 का आज हम नया कंटेंट, नया अध्याय जो है, हम इस पीरियड के माध्यम से स्टार्ट करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक ना। तो बेटा, इसके पहले जो आपका पीरियडिक असेसमेंट हुआ है, तो उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट है, उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किए हैं, अच्छा रिजल्ट दिखाए हैं। साथ ही साथ कुछ जो स्टूडेंट है, उन्होंने पेपर जो लिखे हैं, उनके राइटिंग में थोड़ा सा डिफरेंसेस हमें नजर आया है। मीन्स एक्चुअली they are not doing their work, they are doing their work with the help of other person, okay। वो क्या करते हैं कि दूसरे person के माध्यम से अपना paper solve करते हैं, या फिर जो copy checking है उसमें भी उन्होंने खुद अपना work नहीं किए। so that is the bad habit, okay। ये क्या है, bad habit है, आपको खुद का work जो भी है, आपका study से related, school से related, वो खुद करना है, ठीक है ना। आप as a guidance आप अपने जो एल्डर्स हैं, मम्मी पापा हैं, उनकी हेल्प ले सकते हो, लेकिन राइटिंग में खुद ही आपको सारा काम करना है बेटा। ओके, सो दैट थिंग यू हैव टू रिमेम्बर, ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर लेसन नंबर 7 एंड इट्स टाइटल इज नेबरहुड सर्विसेज। ओके, तो आज हम इस पीरियड में नेबरहुड सर्विसेज क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। सो नेबर मीन्स द एरिया where we are living, okay। जहाँ where you live means जहाँ आप रहते हो, जहाँ हम रहते हैं, ठीक है ना। उस हमारे एरिया को या फिर जो कॉलोनी होती है उसको हम नेबर कहते हैं, ठीक है ना। नेबर मीन्स हमारा पड़ोस वाले, ठीक है। सो नेबरहुड सर्विसेज एक्चुअली दिस इज द नेम रिलेटेड विद द नेबर। एक्चुअली नेबर मीन्स पड़ोसी। हम पड़ोसी किसको कहते हैं, जो हमारे जान पहचान का हो, चिर परिचित जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे जब भी किसी हम संकट में हैं, विपदा में हैं, तो हम क्या करते हैं बेटा कि हम अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं या फिर जिनसे हमारे अच्छे रिलेशन हैं, ठीक है ना, तो उनकी हम हमेशा हेल्प मांगते हैं, ठीक है। या फिर वो हमें हेल्प करते हैं, कुछ वस्तुएँ मांगना है, कुछ हमारे घर में अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ऐसे वस्तु या फिर जिसकी हमें नीड है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो उस समय हम पड़ोसियों की क्या करते हैं, मदद करते हैं। वो भी हमारी मदद करते हैं और हम उनकी मदद करते हैं, और करना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। तो नेबर मीन्स एक्चुअली नेबर का मतलब होता है सिजारी, या फिर जिसे पड़ोसी कहते हैं, ठीक है। तो नेबरहुड सर्विसेज ये जो है, वो सर्विसेज ऐसी सर्विसेज है जो ओवरऑल ग्रोथ करने में, या फिर जिसको नीड है, रिक्वायरमेंट है, जिस पर्सन को नीड है, रिक्वायरमेंट है, तो उसको फिर फुलफिल करने में ये जो सर्विसेज है बहुत मदद करती है, बहुत कारगर साबित होती है, ठीक है ना। अभी नेबरहुड का मतलब जैसे हमने देखे कि जैसे हम किसी एरिया में, गांव में रहते हैं या फिर सिटी में रहते हैं, तो हमारे अड़ोस पड़ोस में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। विभिन्न मीन्स एक्चुअली अलग अलग जाति, योग या फिर धर्म के लोग रहते हैं, तो फिर भी हम भाईचारे के साथ एक साथ रहते हैं और उन लोगों के साथ में अच्छे रिलेशन करते हैं, ठीक है। जो जब भी कोई पब्लिक सार्वजनिक कार्यक्रम अगर हमें करना हो, तो सबको इनवाइट करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं सारे लोग, ठीक है, प्रोग्राम में। तो इस प्रकार क्या करते हैं, हम टुगेदरली कोई भी फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, मीन्स एक साथ आके हम सेलिब्रेशन करते हैं। कहीं ना कहीं आपको को रिलेशन हमारे उनके साथ रहते हैं, ठीक है ना। और इस प्रकार आपको रिलेशन बना के रखना है, क्योंकि नेबरहुड जो सर्विसेज है, ठीक है, वो हमें एट एनी टाइम, मीन्स आधी रात को भी अगर आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ी, तो आप नेबर से आपके अच्छे रिलेशन हैं, तो डेफिनेटली आपको वो हेल्प करेगा, या फिर आप उनको हेल्प कर सकते हो। इसलिए आपको नेबरिंग जो पीपल है, ठीक है ना, आपके सराउंडिंग में रहने वाले जो भी पीपल्स हैं, उनसे आपको बहुत ही बेहतर रिलेशन बनाना चाहिए, ठीक है ना।
तो नेबरहुड सर्विसेज ये जो टाइटल है बेटा इस लेसन का, तो इसके माध्यम से हम देखते हैं कि हमारे कॉलोनी में, एरिया में, पर्टिकुलर सेक्टर में, वार्ड में जिसे हम कह सकते हैं, तो उसमें अगर कुछ सुविधाओं की, कुछ फैसिलिटी की अगर डिफिशियंसी है, कमतरता है, तो इस सर्विसेज के माध्यम से उसे फुलफिल किया जाता है, ठीक है ना, उन सारे कमियों को भरा जाता है। जैसे आपके एरिया में जो गार्बेज बॉक्स है, डस्टबिन जो होती है, कचरा पेटी जिसको बोलते हैं, तो वो नहीं है, तो पब्लिक प्लेस में आप उसकी डिमांड कर सकते हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में उसकी डिमांड कर सकते हो, जो गांव में रहते हैं वो ग्राम पंचायत में, और उसके माध्यम से आप कचरा पेटी आप उसमें फॉर्म कर सकते हो, ठीक है ना, मीन्स स्क्वेयर में, जो आपके एरिया का जो चौक है उस चौक में। देन दूसरी चीज़ हम बता सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, जो बार बार लोड शेडिंग, लाइट जाना, ठीक है ना, लोड शेडिंग। देन वाटर से रिलेटेड, ठीक है, पानी पुरवठा नहीं हो रहा है बराबर, तो उससे नल नहीं आ रहा है, तो ऐसी जो समस्याएं हैं, ऐसी जो प्रॉब्लम है, आप इस नेबर की जो संगठना रहती है, ठीक है ना, आपकी जो नेबरिंग जो पीपल है उनकी संगठना के मार्फत आप लोग वो क्या कर सकते हो उसमें कि अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो अभी इसमें जैसे बेटा आपके बुक्स में दिया हुआ है लेसन नंबर 7, आपको ये जो पिक्चर दिया है उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है ना। सो फ्यू बिल्डिंग्स आर हियर इन दिस पिक्चर, सो इट्स इंडिकेट बाय देयर नेम्स, ठीक है ना। जैसे इस बिल्डिंग आपको दिखा रहे हैं इसमें, उसको स्कूल से इंडिकेट किया है, जो नेम है मीन्स दिस इज द स्कूल बिल्डिंग, ओके। Then after that here is the another milk, we can't say milk, it is the dairy, okay, so write their name dairy, and then after that police, okay, police, and here mall, and here is the one van is standing here, it is the ambulance, okay, उसे हम क्या कहते हैं, ambulance कहते हैं। So all the building or all the structure of this picture what it is showing or mentioned, actually it is giving us the knowledge about services, okay, which are very helpful, as well as we can say which is very required for this society and the peoples, okay. So these are the services which are very handy or needed for the people, okay. So students here, जैसे हम इसमें देखते हैं बेटा नॉलेज मैपिंग में, और नेबरहुड सर्विसेज जैसे इसमें दिया है बैंक, एटीएम, हॉस्पिटल, मार्केट, पुलिस स्टेशन, मिल, बूथ, और स्कूल एंड पार्क, ओके। सो दीज आर द बेसिक सर्विसेज विच वी ऑफनली नीड, ओके, विच वेयर वी आर सर्वाइविंग, यानी जहाँ हम खुद को सर्वाइव करते हैं, हमें इन सारे सर्विसेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। टेकिंग केयर ऑफ आर नेबरहुड, और हमें अपने नेबरहुड की कैसे टेक केयर करना है, कैसे सुरक्षा करना है, ठीक है, कैसे देखभाल करना है, ये सारी चीज़ें हम इस लेसन के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आज हम पहले देखते बेटा द मीनिंग ऑफ सर्विसेज, हियर आई रोट ऑन द बोर्ड, सो द रिक्वायरमेंट्स और नीड्स इन आर एवरीडे लाइफ, ठीक है ना, हमारे जो दैनंदिन जीवन है, ठीक है ना, डेली रूटीन जो है, या फिर हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी या फिर रूटीन है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है कि द नीड्स, यानी हम लाइफ सर्वे करते हैं, हमें बहुत सारी जो जरूरतें हैं उसकी पूर्तता करनी होती है, मीन्स फुलफिलमेंट करनी होती है, ठीक है ना। जैसे हमें खाने के लिए, खाने से लेकर पानी की, बिजली की व्यवस्था, नहीं स्कूल जाना है, स्कूल एक सर्विसेज है, किसी की अगर सडनली किसी को फीवर हो गया है, फिर तबीयत खराब हो जाती है, तो उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, तो ये सारे क्या है, सुविधाएं हैं जो कि गवर्नमेंट देती है, और गवर्नमेंट के साथ साथ जो लोग गवर्नमेंट में इन सुविधाओं का लाभ नहीं लेना चाहते, वो प्राइवेट सेक्टर में क्या करते हैं, एंटर करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार की क्या है, सुविधाएं हैं, फैसिलिटी है, सर्विसेज है, जो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर से हमें जनरली मिलती है, मीन्स इट्स डिपेंड अपॉन योर इनकम, ठीक है ना, आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड है वेयर यू हैव टू एडमिटेड, कहाँ आपको एडमिट होना है, गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर प्राइवेट सेक्टर में, ओके।
So the requirements or needs in our everyday life which have to be met immediately, जो एकदम immediately यानी बहुत जल्द से हमें मिलनी चाहिए या फिर मिलती है, फॉर दिस नीड्स वी हैव टू नेबरहुड सर्विसेज, और इसीलिए हमें नेबरहुड सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। सडनली किसी को इंजरी होगी, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना, तो इस समय में क्या होता है, या फिर किसी के घर में आग लग गई, फायर, तो ऐसे वक्त में इमीडिएट सर्विसेज बहुत बड़ा रोल अदा करती है, ठीक है ना। जैसे फायर हो गया तो फायरमैन को बुलाते हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है, ठीक है ना, उस आग को बुझाने के लिए। तो सेम उसी पर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसको हॉस्पिटलाइज करते हैं, एम्बुलेंस आती है, मीन्स इट इज गिविंग अस, वो हमें क्या करती है, इमीडिएट सर्विस प्रोवाइड करती है, क्या करती है, इमीडिएट सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये सारे सर्विसेज की हमें बहुत ही ज़्यादा नीड है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है ना। तो अभी नेबरहुड में अगर हमारे रिलेशन अच्छे हैं बाकी लोगों से, डेफिनेटली हमें नेबरहुड सर्विसेज का उपभोग या फिर यूटिलाइज हम कर सकते हैं और करना चाहिए, ठीक है ना। एक मेक को हमें हमेशा ऑलवेज क्या करना है, सपोर्ट करना है, हेल्प करना है, सबको साथ लेकर चलना है बेटा, ठीक है ना, क्योंकि आदमी ही आदमी के काम आता है, ठीक है ना, इंसान ही इंसान के काम आता है। ऐसी भावना, ऐसी फीलिंग रखना है और सबको लेके चलना है, सपोर्ट करना है। अगर आपके यहाँ सारे रिसोर्सेज फैसिलिटी अवेलेबल है, अगर थर्ड पर्सन को ज़रूरत है तो आप उसको हेल्प करिए, डेफिनेटली आप उसको हेल्प करिए, ठीक है ना। अभी सर्विसेज में हम देखेंगे आज दो सर्विसेज, ठीक है, जिससे कि आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हो। फर्स्ट इज द मार्केट, पहला देखेंगे मार्केट एंड सेकेंड स्कूल, ठीक है। सो मार्केट, इट इज नॉट अ न्यू वर्ड, आपके लिए नया शब्द नहीं है बेटा, ठीक है। मार्केट से आप फेमिलियर हो, आप मार्केट जाते हो ऑफनली किसके साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, पेरेंट्स के साथ। अगर आपको कुछ शॉपिंग करना हो तो डेफिनेटली आप, जैसे कोई ओकेजन हो, जैसे दिवाली है, होली है, या फिर आपके घर में कोई फंक्शन होता है, तो आप मार्केट जाके अपने मन पसंद वस्तुएं परचेस करते हो, ठीक है ना। तो मार्केट से हम बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग तो करते हैं, साथ ही साथ जो डेली नीड्स की चीज़ है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ये परचेस करने के लिए हमें मार्केट जाना ही पड़ता है, ठीक है ना। सो मार्केट इज द प्लेस विच गिव अस द सर्विसेज, क्या करता है, हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। जो डेली नीड्स की वस्तुएं हैं वो हम मार्केट से क्या करते हैं, परचेस करते हैं, ठीक है, ओके। सो रिलेटेड टू द मार्केट वी कैन एक्सप्रेस और डिफाइन अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि मार्केट में हमें सारी चीज़ें मिलती हैं जो हमारे ज़रूरत की होती है, क्लियर। देन आफ्टर दैट स्कूल, ओके, स्कूल, यू नो दैट स्कूल इज वन ऑफ द प्लेस विच गिव अस द नॉलेज, हमें क्या करता है, एक विद्या का मंदिर जिसे हम कहते हैं, स्कूल यानी विद्या का मंदिर, ठीक है, जिससे हमें ज्ञानार्जन होता है। तो स्कूल में आपके अध्यापक रहते हैं, मीन्स टीचर्स रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है, एंड ऑल द टीचिंग स्टॉफ एज वेल एज और दी करिकुलम एक्टिविटीज यू कैन डू इन द स्कूल, ओके, मीन्स जो एक्टिविटी है करिकुलम से रिलेटेड, आउटडोर इनडोर आपके गेम से रिलेटेड, इसमें जितने भी सोर्सेस आते हैं, रिसोर्सेस आते हैं, ये सारे इंक्लूड होते हैं स्कूल में, ठीक है ना। तो स्कूल क्या है, एक ऐसा प्लेस है जो हमें क्या करता है कि एक संस्कार देता है, एक आदर्श नागरिक बनाने में हमारी मदद करता है, ओके। ओके, सो स्टूडेंट्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक जस्ट आई एम गोइंग टू रीड हियर द कंटेंट, नेबरहुड सर्विसेज। नाउ व्हाट इज हियर, वी ऑल लिव इन अ सोसाइटी ऑफ विच नेबरहुड इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट, जैसे कि आपको बताएं हम सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो नेबरहुड इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट, हमारे जो पड़ोस है, अड़ोस पड़ोस, ठीक है ना, या फिर नेबरहुड मीन्स द एरिया ऑफ सराउंडिंग वेयर वी आर लिविंग, जहाँ हम रहते हैं उस एरिया को नेबरहुड कहते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा, अगर आपका घर अकेला है, ठीक है, अगर एक अलोन, इफ योर होम इज अलोन मीन्स देर इज नो एनी सराउंडिंग और नेबरहुड और एनी पीपल, देन यू फील डेफिनेटली अलोन, ओके, आपको एकदम से एकांत या फिर अकेला महसूस होगा, ठीक है ना। नाउ इट हैज एन इम्पैक्ट
ऑन आवर डेली लाइफ लिविंग इन द पीसफुल नेबरहुड इन द ब्लेसिंग। ठीक है, मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट या फिर प्रभाव हमारे डेली लाइफ पे पड़ता है। इसलिए नेबरहुड रहना जरूरी है, ग्रुप रहना जरूरी है, सोसाइटी में हमें रहना जरूरी है। सपोज अगर किसी इंसान का खेत में घर है, ठीक है ना, खेत में मीन्स खेत में जनरली ज़्यादा मकान या फिर बिल्डिंग्स नहीं रहते, तो उसको हर चीज़ के लिए हर उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए वो क्या करना है, उसकी जो नीड है उसके लिए उसको गाँव में जाना पड़ेगा, जहाँ उसको मार्केट से लेकर किराना से लेकर हर चीज़ वहाँ मिलती हो, क्योंकि सारी फैसिलिटी सर्विसेज उसके घर तक पहुँचे नहीं जा सकते, और इसीलिए नेबरहुड का जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा माना जाता है। ठीक है ना, अभी देखते हैं, देर आर मेनी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स इन आर डेली लाइफ विच हैव टू बी मेड इमीडिएटली। फॉर दिस नीड्स वी हैव टू नेबरहुड सर्विसेज, और इस नीड को, इस रिक्वायरमेंट को उसकी फुलफिल करने के लिए हमें नेबरहुड सर्विसेज की जरूरत होती है। जैसे मार्केट है, मार्केट में एवरी नेबरहुड हैज अ मार्केट वेयर वी कैन बाय थिंग्स फॉर द डेली नीड्स लाइक मिल्क, ब्रेड, ग्रोसरीज, स्टेशनरी एटसेट्रा। ठीक है ना, मार्केट से हम क्या क्या डेली नीड्स की वस्तुएं परचेस करते हैं, जैसे मिल्क है, ब्रेड है, ग्रोसरीज, स्टेशनरी, आपकी जो स्टडी से रिलेटेड जो मटेरियल है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हम मार्केट से आपको परचेस करनी होती है। ठीक है, सो इट इज़ अ प्लेस विच इंक्लूड्स ऑल दी सर्विसेज, ओके, रिलेटेड टू आवर डेली नीड्स, क्लियर। देन आफ्टर दैट स्कूल, स्कूल, देर आर मेनी स्कूल्स इन द नेबरहुड, सो दैट वी चिल्ड्रन that the children of that area do not have to travel long distance to attend school and learn new things। ठीक है, तो स्कूल, स्कूल के बारे में इस आपके बुक्स में जो कंटेंट में दिया है बेटा, कि हर एरिया में आपको स्कूल्स दिखेंगे। इसका क्यों हर एरिया में उसको फॉर्म किया गया, बिकॉज क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अंतर या फिर डिस्टेंस बच्चों को तय नहीं करना चाहिए, उसके में, उसके पीछे मेन पर्पस है, मेन मोटो है, और इसीलिए हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर एरिया में, हर 2 किलोमीटर में आपको स्कूल बिल्ड होते हुए दिखेगा। ठीक है, सो दैट इज द इम्पोर्टेंट, मीन्स स्कूल ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स ऑल्सो वेरी प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स, ओके। सो डेफिनेटली यू हैव टू टेक फुल बेनिफिट ऑफ स्कूल, आपको क्या करना है, स्कूल का पूरा बेनिफिट लेना है, खुद को लिटरेट करना है, और जो बच्चे स्कूल नहीं आते उनको आपको फोर्स करना है, मोटिवेट करना है कि आप स्कूल आए और शिक्षित बने, ओके। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज़ द नेबरहुड सर्विसेज, मीन्स टुडे व्हाट वी हैव सीन, मार्केट एंड स्कूल। ठीक है, अभी जो रिमेनिंग पॉइंट है, रिमेनिंग सर्विसेज है बेटा, इसके बारे में हम नेक्स्ट पीरियड में चर्चा करेंगे। ठीक है, आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके मन में है, दिमाग में है, तो आप डेफिनेटली मुझे कॉन्टेक्ट करिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर टूडे, हैव अ नाइस डे टू ऑल, थैंक यू।